तब बोला त्रिमल तो बोला ही नमो वित्रागाय नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्जायानम नमो लोए सव्वसाहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावप्पनासनो मंगलानं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। तेरी गादी बसंत भाई को दे दे। वो गद्दी दे दो। हाँ अच्छा अभी यहाँ के सीनियर मोस्ट है ना, उनका भी रखना चाहिए। हाँ सुंदर अच्छा हुआ। तो डिंपल ने मुझे बताया था उनका तीन दिन है तो ये पास में पड़ता था। डिंपल को मैं बोल रहा था कि किसी को प्रेशर मत करना, तो बोला मैंने तो प्रेशर कर दिया, उन्होंने हाँ भी बोल दिया। बहुत सरल है तो हाँ बोल दिया। तो जय सच्चे खांसी नहीं आएगी। हाँ वो तो मैं ऊपर लेके आया, कैसा आएगा तब ले लेंगे। कौन सा है तो मेरे बोला था सीधा ज्ञान विधि में आ जाए, उससे पहले मुझे मिले तो अच्छा है ना। वो ख्याल में आया ना, वो तो बहुत सरल है कि आपने बताया, उसने हाँ बोल दिया तो वो बहुत अच्छी बात है। मगर पता है कि ज्ञान विधि क्या है, किसके लिए जाने का है, क्या पाने का है, तो इट्स बेटर। पहलवानी सर ने मैंने जी तो इनको जाते हैं ना आप, ये शैलेश पहलवानी पर आपके पहलवानी है तो आपके कजिन रिश्तेदार है कि इनके जो ससुर जी जो हैं वो हमारी कम्युनिटी में जयपुर से। आप जयपुर से? मैं हूँ इंदौर से पर जयपुर में सेटल हूँ। तो भाई वहाँ से शॉप यहीं पे पास में वीकेंड मार्ट। हाँ मुझे बताइए शॉप है तो कैसे आप आएंगे ना, शॉप तो बंद कर देते हैं। नहीं भाई दो दूसरे लोग हैं वैसे साथ में तो बंद ही कर देते हैं। सुंदर वीकेंड राम सुंदर इन्होंने मैसेज भेजा मुझे। हाँ अननोन नंबर से आया और पूरा ज्ञान विधि का डिटेल जो चाहिए एड्रेस एज फोन नंबर होम टाउन सब आ गया अपने रजिस्टर में ज्ञान विधि। हां मैं लंच के लिए गया था तो बात हुई थी। अच्छा। तो उनको बहुत अच्छा लगता है 1 साल से। वो अपना अनुभव बता रही थी कि पहले सीता भाभी मुझे बोलती थी, मैं आती थी
वो आके बैठ के चली जाती थी जी। या तो कुछ बोल के गए लेके आती थी, मगर मैं सुनती भी नहीं थी, बैठती भी नहीं थी। फिर निरंजन के फादर मदर थे ना, तब एक बार जाने का हुआ था, तो उनके फादर से मिला, फिर एक वीक के बाद उनका वो देह शांत हो गया था। तो बाद में फिर वो आई दूसरी बार यहाँ सत्संग में, तो मैंने उनको बताया था ऐसा ज्ञान विधि का प्रोग्राम है, ये है, तो बोला हाँ मैं आ जाऊंगी। फिर ये शशि गर्ग सब थे ने, तो उनके घर पे लंच ही था, और वहां से भी बोलो कि हाँ ज्ञान विधि में, तो शशि गर्ग के साथ वो काजल थी, उनको थोड़ा जल्दी था, शॉपिंग करने का था, और डिंपल को बोला था कि तो फिर शॉपिंग के लिए मेरे साथ आ जाना, तो सब उनका प्रोग्राम ऐसा था। तो यहाँ के बैठे शशि गर्ग भी बैठे, शशि गर्ग बोलते मुझे जाना है, उनको बीच में समझ जा पूरा करके जाना। तो काजल ने बताया नहीं नहीं वो ज्यादा बैठ नहीं पाएंगे, हल्की वजह से उनको लेके जाना पड़ेगा। तो शशिकर की इच्छा फिर भी हो गए, तो डिंपल को भी ने बोला कि आपको बैठना है तो फिर 2 घंटे तक जा बीच में से उठ नहीं पाएंगे, और फ्री है तो बैठ जाओ। तो मुझे आपने बोला मुझे क्या हुआ, तो मैं तो बैठ गई, ओके तब से बड़ा चेंज हो गया सब। ये बोला बोला मैंने उनको बताया, काफी अच्छा लगा। भरत भाई ये मतलब उसका ये जो आप बोलते हो संजोग उसमें काल टाइम वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मुझे ईयर याद नहीं है पर इट इज दैट इज 2 इयर्स वी एंड सिमरन केम इन टू सत्संग 2004 2 years before that, on a Saturday evening, we were in Rao Uncle's Chinmaya class. Shalini Hota told me that Ram Bhai, Ajay Bhai nahi aaye, aap mujhe yahan baju mein kis ke liye drop karoge? Bola zarur. To humne drop kiya unko, bole upar aaiye, acha hai, satsang hai upar. Bola nahi, mujhe jana hai, yahan par drive karna hai. To theek hai, main aata hoon 5 minute. Aur aap aur Bihari Anand ji ka satsang tha. Lekin, I don't know, us time क्लिप नहीं हुआ, आई वॉज नॉट रिसेप्टिव, यहाँ क्या था, आई सैड फॉर 10 मिनट्स एंड देन आई गॉट अप एंड वॉक्ड अवे। आफ्टर दैट इन 2004 राव अंकल इनवाइटेड मी एंड सिमरन टू हिज हाउस एंड दैट टाइम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सत्संग वी वर बुक। ऐसा है संजोग, एक्चुअली डिंपल को सब सेट हो गया ने, उनके लिए भी सरप्राइज है, हम सब के लिए भी सरप्राइज है, बट सी सो हैप्पी नाउ। खुश होता है, आप सबसे पहले ये पूजा दर्शन के घर पे आए थे ना, सबसे पहले वही आए, उसके बाद नहीं यहाँ पे भी आए, उसका भी है, तो दर्शन भाई ने भी बोला था यहाँ पे हम लोग संडे भी फेबर दर्शन मौका तो संडे को भी आ जाते थे यहाँ पे अपना, तो इसका लास्ट टू लास्ट बार में फिर कुछ ऐसा फील हुआ, इसके लिए लास्ट टाइम पे जो है हम लोगों ने ज्ञान विधि दोनों आदमी ने ये सबका ज्ञान विधि का अनुभव अच्छा है, बाद में टर्निंग पॉइंट आ जाता है। मैं लास्ट टाइम ज्ञान विधि ये भी इसी रूम में, इसी रूम में 2004 में भी कई आई थिंक बोथ पूरा सेशन या फर्स्ट 1 वीक सिमरन को क्लिप हुआ और मैं बोली देखो रोज शाम को टाइम पे आना, मुझे लेके जाना जहाँ पे भी ठीक है, आपको फोन करता था, मैसेज करता था, आप बोलते थे एक्सप्लेन करते थे। फिर एक दिन पता नहीं घर में झगड़ा हुआ या कुछ ऐसा हुआ, तो बोली आपको बहस करना आप बहस करो, मुझे अटकना नहीं है सब बात, तो रहना तो इधर है, नहीं नहीं अभी मुझे मोक्ष में जाना है। तो उस रात में सोचा यार ये मोक्ष में चले जाएगी मैं इधर रह जाऊँ, तो
then I saw the change in her. I saw the change in her. Then I got interested. Some people may change automatic आता है. Some people बोलते हैं नहीं भरत भाई ने ऐसा ऐसा हमने सुना है सत्संग में. I should not argue. I should not do that. I should not. I should, means they have to make an effort. ये सुंदर है ना, ये सरलता बहुत है, बहुत ये डिंपल ने समझे उनको फिट हो गया. चलो तो सुंदर एक क्या बात है विशाल, अरे वेदांत, ये सुंदर आपका नाम है बराबर. तो आप बोलेंगे मेरा नाम, माय नेम, यू विल से माय नेम इज सुंदर, तो वी विल एक्सेप्ट बराबर आपका नाम है. मगर जब आप बोलते हैं मेरा नाम, तो फिर आप खुद कौन? When you say my name is Vedant, then who are you? कल मैं आप कोई भी जगह मेरा बोलते हैं कि my house, तो house और आप अलग है कि नहीं? You will say my shirt, तो shirt and you are separate. माय स्पेक, तो स्पेक एंड यू आर सेपरेट. फिर क्या बोलते हैं माय बॉडी, दैट मींस बॉडी एंड यू आर आल्सो सेपरेट. सेम वे यू से माय नेम. तो क्या हुआ कि जन्म हुआ और आपको सुंदर नाम दिया गया और सब पुकारते हैं सुंदर सुंदर सुंदर, तो आपको क्या हो जाता है कि मुझे पुकारते मैं सुंदर हूं, तो मैं सुंदर हूं ऐसी एक बिलीफ खड़ी हो जाती है. वेदांत समझ रहा है कि मैं वेदांत हूं ऐसी एक बिलीफ खड़ी हो जाती है. फिर धीरे 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 वो बिलीफ स्ट्रांग हो जाती है और स्टॉन्च हो जाती है. मगर सही में तो आपको ये व्यवहार चलाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम दिया गया है. सो जस्ट नेम गिवन टू यू जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन. नाम नहीं देंगे तो आप बिजनेस किसके नाम पे करेंगे, बैंक में अकाउंट किसके नाम पे खोलेंगे, मकान प्रॉपर्टी किसके नाम पे लेंगे, बराबर. नाम नहीं देंगे तो कार की तो नंबर देना पड़ेगा, कुछ देना तो पड़ेगा. तो नाम तो सिर्फ व्यवहार चलाने के लिए दिया गया है. मगर आपने मान लिया नहीं मैं खुद सुंदर हूं, लगे मैं खुद वेदांत हूं ऐसा मान लिया. इसका मतलब क्या हुआ कि आप सही में जो है वो आप जानते नहीं. आप रियल स्पीकिंग जो है वो आप जानते नहीं, और आप जो सुंदर नहीं है तो नाम दिया गया, आपने मान लिया कि मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं. तो ये एक रॉन्ग बिलीफ खड़ी हो गई, रॉन्ग बिलीफ, अज्ञान मान्यता कि मैं सुंदर हूं. तो मैं सुंदर हूं ये बिलीफ अभी खड़ी हो गई. इसका मतलब क्या हुआ कि आप सही में जो है वो आप जानते नहीं है, और जो आप नहीं है वो मान के जीवन जी रहे हैं. आप कैसे आ गए? आप तो प्रकाश जी के वहीं आते हैं, बाकी कोई जगह आते नहीं, कुछ गलती हो गई है? सब ठीक है ना? हाँ मुझे पता है भाई, जब आपके घर में ससुर तभी आते हैं, बाकी जनरली कभी दिखाई नहीं देते. तो आज कुछ गलती हो गई सर. अरे वाह क्या बात है, व्यवस्थित शक्ति को खींच के लाई, परफेक्ट. तो समझ पाए, ये आप सही में जो है वो जानते नहीं है, जो नहीं है वो मानकर जीवन जी रहे. मिस आप अपनी असल कुर्सी पे नहीं बैठे, किसी और की कुर्सी पे बैठ गए. इसको बोलते अहंकार, इग्नोरेंस,
सेल्फ इग्नोरेंस, और ये अहंकार की वजह से आप जीवन जीते हैं ना, तो अच्छा और बुरा हर पल हर समय आप नए कर्म बनाते ही रहते हैं, क्योंकि आप अपनी सही जगह पे नहीं है, तो इधर पाप और पुण्य बनता ही रहता है। और आप खुद कौन है उनका भान हो जाए, उनका रियलाइजेशन हो जाए, फिर नए कर्म बनते नहीं। नए कर्म बनते नहीं इसकी वजह से तो बोझ रहता है, लोड रहता है ना सर पे, बोलते संसार का लोड बोलेंगे इसे। तो जब खुद का भान होता है, हम खुद कौन है उनकी पहचान होती है, बाद में कोई टेंशन चिंता उपाधि नहीं रहती, ऐसा हो जाता है, समथिंग अमेजिंग। उसमें आपको कुछ करने का भी नहीं, एक पिलो में पिलो पाशर में कुसना भी इसमें आपको कुछ करने का नहीं है, आपको ने ऐसा ऐसा एक सत्संग अटेंड कर लिया बस बहुत हो गया, और संडे को आ गए टाइम से बहुत हो गया, सिंपल है, चलेगा ना? अभी तो ना रजिस्टर करवा दिया, ताना भी पड़ेगा ना? नहीं, एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ डिसाइड कर लिया, नहीं बराबर, बहुत अच्छी बात है। सिंधी में आप कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हो, किधर भी तरह का, धंधे का, फैमिली का, अध्यात्म का, तो वेदांत ख्याल में आपको, आप खुद कौन है वो जानना पड़ेगा ना। अभी तो आप वेदांत होके जीवन जी रहे हो, और अभी आप जो कुछ कर रहे हो वेदांत के लिए कर रहे हो, और वेदांत आप है ही नहीं, वेदांत तो रॉन्ग बिलीफ है, तो खुद के लिए कुछ करना नहीं चाहिए, खुद को पहचानना भी चाहिए, इसके लिए प्रयोग है। आपको पापाओं में कुछ चेंज लगता है? ये लोग सत्संग में आते हैं बाद में कुछ अंदर कुछ परिवर्तन लगता है, कुछ तो है नहीं कुछ है ज्यादा नहीं है हाँ क्या बोल रहा था? ये अपनी विडंबना ये देखिए कि हम पूरी जिंदगी वसंत कोठारी के नाम से जीते हैं, और साधु कुछ भी करते हैं वसंत कोठारी के लिए करते हैं, और वसंत कोठारी पे टेंपरेरी सरिया छोड़ के चले गए, हमने भी मेहनत काय के लिए की, पूरी जिंदगी काय के लिए लगाई, कोई हमको जागृत नहीं करता है। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? कैसा है कि आपका सब पेमेंट आता है चेक से, आपको चेक दे भाई, आपका अकाउंट नंबर भर के अंदर डाल देना, और गलती से आपका अकाउंट नंबर जो है 98 है, आपने गलती से 89 सेट हो गया, तो सब में ATM डालते जाएंगे, तो सब चेक मेहनत आप करेंगे, मगर चेक आपके अकाउंट में डिपॉजिट होंगे नहीं होंगे। अभी आप जो जीवन जी रहे हैं ऐसा जीवन जी रहे हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं,
तो खुद को पहचानते नहीं। और ये मनुष्य जन्म मिला है ना, खुद को पहचानने के लिए मिला है, टू रियलाइज हु एम आई। तो दूसरा क्या, कितना अच्छा है कि रियलाइज करने के बाद अपना व्यवहार तो वैसे का वैसा रहता है। कल मैं आपका जो शॉप है, व्यवहार है, वो सब वैसे का वैसा रहे, उसमें कोई चेंज नहीं। अब जो ट्रेन में बैठे उसी में बैठे रहेंगे, पहले आप है ना सामान सर पे लेके बैठे थे, अब सीट के नीचे रख के बैठे। बस परफेक्ट है। हाँ, आपके गुरु है, आप जो भगवान को मानते हैं, जो धर्म का पालन, कुछ बदलने का नहीं। यह सिर्फ आपको एक इनर विजन मिल जाती है, दृष्टि मिल जाती है, और वो दृष्टि से संसार में रहते हुए संसार से मुक्त रहते, संसार का बोझ लगता नहीं है। अब बताए राम भाई ने कि सावन सर पे रख के बैठे थे, अभी सीट के नीचे रखते। पूछते जाओ, अभी जो पूछना है पूछो, वेदांत आप भी पूछना। तो मुझे एक बात पूछनी है। हाँ, जो अपने धार्मिक ग्रंथों में लिखते हैं कि भी भगवान राम ने बाली को मारा, हाँ, तो वो कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लिए, तो फिर उनको उसको भुगतना पड़ा, पर ठीक है। लेकिन अपने जो ऋषि मुनि है, ये क्या है कि कोई आदमी, कोई भी आदमी जैसे अनजाने में उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने गुस्से में आप उनको श्राप दे दिया या कुछ भी दे दिया, तो उनका कभी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि ऋषि मुनियों को फिर वापस उसका वो मिला। हाँ, क्या है ये शास्त्र है ना, शास्त्र में कोई स्टोरी नहीं आती है। वेदांत में एक भी स्टोरी है? वेदांत में नहीं होती है। फिर वेदांत सबको समझ में नहीं आता है, इसलिए फिर पुराण आते हैं। तो पुराण में सब सारी स्टोरी होती है, रामायण, भागवत, महाभारत, ये सब वो स्टोरी लिखते हैं, तो सब कुछ ऐसा बताना पड़ेगा भाई, ऐसा क्या उनका फल ये आया, ऐसा क्या ऐसा उनका फल ये आया, तभी लोग डरेंगे भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऋषि मुनियों को भी किसी को श्राप देते हैं, तो फिर वो फल तो उनको भी भुगतना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। कर्म के चक्कर में से भगवान भी नहीं छटक सकते हैं, छूट सकते हैं, जैसे तो फिर ऋषि मुनि कैसे छूटेंगे? उसमें बेसिक क्वेश्चन ये आ गया भगवान भाई कि श्राप की जो सी जो चीज होती है क्या? ये तो ये सब है ना, श्राप और वरदान होता ही है। ये क्या है, ऋषि मुनि है ना, तपस्या करते हैं, भाई तप करते हैं सो भाई, तो भीतर से वो तप तो हो जाते हैं, तो फिर जल्दी गुस्सा आ जाता है। आपने खाना खाया नहीं है और कोई आके आप माता गए प्रॉब्लम करेगा, तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा, कैसा है। मगर सबको भोगना पड़ता है, कोई छूट नहीं पाते, क्या ना सबको भोगना पड़ता। ये जो करुणा वाला पार्ट है, तो वो पार्ट तो करुणा वाला ऋषि मुनि को नहीं होता है, कोई संत को भी नहीं होता है। करुणा वाला पार्ट सिर्फ भगवान में होता है, राम में हो सकता है, महावीर में हो सकता है, बुद्ध में भी नहीं। जहाँ तक दादा का वाक्य है, जहाँ पर भी कर शब्द लगता है, कहीं पर भी,
कर शब्द जहाँ के भी लगता है वहाँ तक संसार है, और कर से परे हो के तब जाके मोक्ष है। आप त्याग करो, तपस्या करो, ये करो, करो 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 करो, तो संसार में ही हो, संसार से बाहर नहीं जाओ। सिंपल, जहाँ कुछ भी करने का है वहाँ संसार है, और जहाँ कुछ भी करने का है वहाँ मेहनत है, तो संसार में मेहनत है, और जहाँ कुछ भी करने का नहीं है वहाँ मुक्ति है। तो मुक्ति के लिए मेहनत नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ दृष्टि पलटने की होती है। ख्याल में, आपको दुकान चलाने का तो बहुत मेहनत है, घर चलाना है बहुत मेहनत है, मुक्ति के लिए मेहनत नहीं होती है। नेहा, आपको कैसा रहा है ज्ञान वृद्धि के बाद सब? इतनी स्माइलिंग करते हुए इंप्रेस हो गया। आई डोंट नो अबाउट सम, बट इतना स्माइलिंग करते हुए वहाँ बैठी, मेरा मैं उनको ही देख रहा था एक्चुअली। लास्ट टाइम ज्ञान लेके गए थे, हम उनके घर पे गए थे, कहाँ पे वो मुझे पता नहीं। मैं शुद्धात्मा को याद आता है ना। हाँ, उनकी बेटी से बहुत बात हुई। बेटी को कैसा है, वो कल आई थी ना? हाँ, फिर मुझे मिले बिना चली गई वो सब। हाँ, कोई कोई वो फ्री है संडे को, उनको आना है। हाँ हाँ, वही फ्री है तो जैसे आपना आपका अनुभव हुआ ना, तो ऐसे उनको फ्री है आना है। तो 12th में है ना, 11th मीन्स 17 हो गई ना, तो चलता है। छोटे उनको नहीं, नहीं जय सच्चा। सामान्य भाव से पूछ लेना, उनको आना है तो आ जाए। नेहा का भी अनुभव अच्छा है। आप नहीं थे लास्ट टाइम, तो यहाँ नहीं थे। हाँ बराबर है, तो मैंने सोचा। हाँ जनरली में किसी घर पे आप साथ में होते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही बात कर। हाँ ज्योति आंटी के, तो बेटी पढ़ती है बराबर अभी। उनका मन तो पक्का हो गया, बहुत बहुत हो गया। नहीं, उसने नहीं लिया था उसको, उनकी जो बेटी है ना सबसे बात ही की थी पढ़ाई के लिए, कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए, ऐसे थोड़ी बात ही हुई थी और कुछ ज्यादा नहीं हुआ। ज्ञान विधि क्या है, लड़की 17-18 की है या लड़का 18 का है ना, तो इफेक्ट पॉजिटिव होती है। छोटी उम्र में दिला देते हैं ना, तो इनकी इफेक्ट नहीं होती। लेकिन 18 में भी बहुत अर्ली स्टेज है। नहीं नहीं, अभी के बच्चे तो बहुत ज्यादा डेवलप, पहले ऐसा था, अभी तो एकदम डेवलप। नहीं बोल रहा हूँ, अर्ली स्टेज है, आईटी में ले रहे तो उसको आगे भी अच्छा। हाँ, अर्ली स्टेज बेनिफिट होता है ना। हाँ, वो जो क्लिक हो गया ना तो उनको बहुत अच्छा रहता है। अब जैसे हमने 45 साल, इसलिए मैंने उनको इनको वेदांत को पूछा, पहले मुझे लगा छोटा है, फिर लगे तो 18 हो गया, तो इसलिए मैंने बोला फ्री है तो आ जाना। संख्या ज्यादा बढ़ जाती है ना, इसलिए मैं सामान्य भाषा बोलता हूँ आ जाना, फिर उनका व्यवस्थित उनका संजो पुण्य है ना तो आ जाता है। ये सुंदर जी का मैंने बोला भी नहीं था, डिंपल ने बोला आ गया ना, पुण्य है ना जो है।
दिन खेल सकते हैं, सारे पैसे लगा दे लो तो भी ये प्राप्ति नहीं कर सकता। इतने अमीर हो आप, इतने अमीर हो। आप दोनों पूछते रहो। हाँ वेदांत अभी पूछ ले, फिर सब आएंगे, दूसरे प्रश्न शुरू हो जाएंगे। हाँ बोल। देखो देखो, आप पढ़ते एक बार और समझ में नहीं आता है ने, तो कैसा है आपको कैसा लेने का कि समझ में नहीं आता है, तो इट्स अ चैलेंज फॉर मी। समझ में क्यों नहीं आएगा? जनरली हम स्टडी करते हैं ना, तो जो सब्जेक्ट इजी है हमारे लिए, वो ऑफन हम उनका रिपीटेशन करते हैं, रिविजन कर लेते हैं, और जिसमें समझ नहीं आती है उसको हम छोड़ देते हैं। बट नॉट लाइक दैट, टेक इट एज ए चैलेंज। इट्स लाइक ए स्टेपिंग स्टोन। आपको प्रोग्रेस करना है तो उस स्टोन बीच में आया तो टेक इट एज स्टेपिंग स्टोन, उसके बाद पाँव रख के आगे चलो। पैसा डिसाइड करेंगे ना कि चैलेंज है और मुझे करके बताना है, कितना रखने का, और फिर एक बार वो टूट गया ना तो दूसरा सब में आपको इजी हो जाएगा। ये थ्योरी तो सबके लिए लागू होती है। हम बात तो इन प्रिंसिपल करते हैं तो सबको लागू, सबके लिए स्पेसिफिक उनके लिए है, बस सबके लिए लागू। तो सबको ऐसा कुछ ना कुछ आता ही रहता है। आ जाइए, क्लियर हुआ? कोई भी चीज आपको पहले से आती ऐसा हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो कोई भी चीज शुरू में डिफिकल्टी लगेगी, तो शुरू में टेक इट एज ए चैलेंज, फिर बाद में सब इजी हो जाता है। आपको चलना आता था? जन्म हुआ तो चलना आता था, वो डिफिकल्ट नहीं था? ऐसा सीधा चलने के लिए गिर जाते थे, डिफिकल्ट था ना, बट यू टेक इट एज ए चैलेंज। और अभी आराम से चलते हैं, कभी किसी को आपको पकड़ना पड़ता है, बोलना पड़े भाई धीरे चलो गिर जाएंगे, ऐसा बोलना भी नहीं, आप दूसरों को बोलेंगे, आप दूसरों को बोलेंगे नदी का जो नदी, हाँ हाँ आ जाओ सलीम, आप आगे आ जाओ, आपके आगे कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता है। सबको ऐसा लग रहा है कि क्लास चल रही है, टीचर है सामने। हाँ हाँ
उल्टा है सुंदर भाई, आपको प्रश्न पूछना है, उसको नहीं पूछ रहा है। ये देखिए आपको प्रश्न चल पाएंगे ना, आपका क्लियर हो गया वेदांत, तो अभी क्या करेगा, द सब्जेक्ट यू फील डिफिकल्ट उस पर ज्यादा टाइम देने का, और एक बार थोड़ा आगे गया ना फिर प्रॉब्लम नहीं होता। ये दुनिया में ऐसा कोई डिफिकल्ट जैसा है ही नहीं, वो तो क्या है कि अंदर क्लिक नहीं होता है वहां तक डिफिकल्ट लगता है, बाद में डिफिकल्ट नहीं लगता। ये लोग खाना पकाते हैं तो सब खाना बनाना आता है आपको? सब खाना बनाना आता है? हाँ तो बोलते हैं हाँ। तो आपको जो भी 15-20-25-50-100 वैरायटी आती है और नहीं आता है कि पूछ के सीख लेते हैं, और नहीं आता है तो भीतर विचार भी आता है कि ठीक से नहीं होगा तो, ठीक से नहीं होगा तो पहले क्या करते, सैंपल घर पे बनाते और खुद खा लेते, कोई गेस्ट आए तो नहीं बनाएंगे, तो खुद टेस्टेड हो जाएंगे फिर दूसरे के लिए बनाएंगे। ऐसा है, कोई सब सीख के आया ही नहीं। और संसार इज ओपन स्कूल, पूरा सबको सब सबको सीखने का है, तो रखने का ऐसा कि कुछ भी चैलेंजिंग है या डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है टेक इट एज अ चैलेंज, नहीं तो मुझे करके बताओ। एक कर्म और भाग्य, कर्म और भाग्य, कई बार पूछते हैं लोगों से, सुनते रहते हैं कर्म तो किए जा रहा है कहीं कुछ हो नहीं रहा है, आप जो भाग्य बोलते हैं ना, भाग्य, भाग्य मीन्स प्रारब्ध, भाग्य का मतलब प्रारब्ध करो, समझ प्रारब्ध समझते हैं, सुना है प्रारब्ध, हाँ ना कोई बात नहीं, आपको हिंदी समझ में आती है ना? हाँ, तो दो शब्द है, एक प्रारब्ध और दूसरा पुरुषार्थ। तो कर्म के ऐसे दो प्रकार है, एक पुरुषार्थ कर्म और दूसरा प्रारब्ध कर्म, और दरअसल जो ओरिजिनल पुरुषार्थ है वो बहुत अलग बात है, मगर सारे जगत में जिसको पुरुषार्थ बोलते हैं मैं, जल्दी आ गए तो ये भाग्य, भाग्य जो बोलते हैं, भाग्य मीन्स क्या है कि आपके भाग्य में पिछले जन्म में जो लिखा था वो जो अभी सामने आता है, बराबर, मीन्स आपके भाग्य में जो है वो पिछले जन्म में आपने जो कर्म बनाए उसके हिसाब से वो लिखा गया और अभी वो सामने आएगा, मीन्स भाग्य को कोई टाल नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं, भाग्य में जो लिखा है कोई टाल नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं। मगर साथ में ये भी है कि आपके भाग्य में क्या है आपको पता है? यू डोंट नो। आपके भाग्य में क्या है कोई ज्योतिष को भी पता है? अरे ज्योतिष को भी उनके खुद के भाग्य में क्या पता नहीं चलता है, वो बोल दे भाई ऐसा ऐसा होगा तो कोई ठिकाना नहीं है। तो भगवान ने क्या बताया कि भाग्य बात सही है, वो जो पिछला जन्म का लिख के आए हैं
मीन जो सबके साथ ऋणावबंध कर्म के अधीन जो ऋणावबंध लेके आए हैं राग द्वेष का अधीन, वो आपको भोगना पड़ेगा या एंजॉय करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा या तो एंजॉय करना पड़ेगा। मगर आपके भाग्य में क्या है आपको पता नहीं है, सिंपल बात है आपको पता नहीं है, इसलिए बीच में जो छोड़ देते हैं कि मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, तो आप एफर्ट्स डालना छोड़ देते हैं और वो सबसे बड़ी गलती है। हिंदुस्तान में जो ज्ञान दिया ना आपके भाग्य में होगा, तो फिर वो आधा ज्ञान दिया कि आपके प्रारब्ध में होगा, जो होने वाला है होगा, वो आधा ज्ञान दे दिया, मगर साथ में नया कर्म कहा है वो किसे नहीं बताया। तो भाग्य भी समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, भाग्य मीन्स समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। और नया कर्म है, इनको पुरुषार्थ बोलते हैं, ये किसकी गीता की परिभाषा में, वो क्या है कि इट इज समथिंग विच इज इन योर कंट्रोल, समथिंग विच इज इन योर टोटल कंट्रोल, आपके संपूर्ण कंट्रोल में है, वहां नया पुरुषार्थ है। तो हम लोग भाग्य को समझ लिया कि मेरा प्रारब्ध कर्म है, मेरा प्रारब्ध कर्म है, फिर क्या मेरा प्रारब्ध ऐसा है तो रिजल्ट आने के पहले हम पानी में बैठ जाते, तो ऐसा नहीं, जहां तक एंड रिजल्ट आया नहीं है वहां तक सब एफर्ट्स डालते जाने का है, जहां तक एंड रिजल्ट आया नहीं है, मानो के आपको फ्लाइट है 8 बजे की फ्लाइट है, आप घर से 5 बजे निकले भी और निकले और 1-2 किलोमीटर गए और आपकी कार बिगड़ गई, तो फिर आप एयरपोर्ट नहीं जाएंगे, वापस आएंगे। सुंदर जी, हाँ, अरे कोई फ्रेंड को फोन करेंगे, देखो मैं यहाँ फंस गया हूँ, आप कार लेके आ जाओ, पहले मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो, दूसरा कुछ आपको सब प्रयत्न करेंगे ना, और सब प्रयत्न एयरपोर्ट पर गए, वो लोग काउंटर क्लोज कर रहे तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे, अरे भाई 5 मिनट लेट हो गया, सॉरी ऐसा हो गया ऐसा हो गया था, उनको रिक्वेस्ट करके भी ले लेते हैं। तो सब प्रयत्न करते हैं, एंड तक प्रयत्न करते हैं, तो फ्लाइट कैच करने में कैसे प्रयत्न करते हैं, वहां बोलते हैं कि प्रारब्ध ऐसा है, कार बिगड़ गई, चलो अभी ये भाग्य में ऐसा है, चलो अभी नहीं जाना है, चलो वापिस जाए, ऐसा सोचते है वहां, क्यों वहां सब दिखाई देता है वो टिकट जाएगी, रिफंड नहीं मिलेगा, भाग्य में लिखा है, भाग्य में है वो बात सही है, मगर अभी फ्लाइट छूट नहीं गई है, वहां तक सब प्रयत्न करने का है, वो प्रयत्न बंद कर दिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हिंदुस्तान में हम लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई कर्म फल है, प्रारब्ध कर्म है, जो होने वाला है होगा, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, डेस्टिनी, ऐसा सब बोल देते हैं, मगर ऐसा बोलने से उनके भीतर से ड्राइविंग फोर्स टूट जाता है, अभी वेदांत को पढ़ने का है तो उनको एक ज्ञान मिल गया कि जो होने वाला है होगा, तो क्या होगा, अरे भाई पढ़ूं नहीं पढ़ूंगा तो भी होने वाला है, और पढ़ूंगा तो भी होने वाला है, तो आराम से मुझे बैठू, ऐसा हो जाएगा, तो ड्राइविंग फोर्स टूट जाएगा। तो ये क्या आधा ज्ञान
ज्यादा प्रॉब्लम करता है, आधा ज्ञान ज्यादा प्रॉब्लम करता है। गुजराती में बोलते अधूरो गड़ो छलका है, हिंदी में क्या बोलते हैं? आधा गड़ो छलकता है। नहीं ऐसा उनके ये तो आप कौन से भाषा बोल रहे हैं? तो ऐसा हो जाता है इसमें कि आधा ज्ञान है ना नुकसान करता है। तो सुंदर जी आपका जो प्रश्न था ना कर्म कर्म फल मीन्स भाग्य जो बताया भाग्य भाग्य में प्रारब्ध कर्म भाग्य में प्रारब्ध कर्म मीन्स पिछले जन्मों में अज्ञानता की वजह से आपने जो कर्म बांध लिए नए कर्म वो कर्म का ये जन्म में कर्म फल आएगा। इसमें क्या है दो चीजें आपने फ्लाइट का एग्जांपल दिया ना आपने तो आप मान लीजिए कि आपको रास्ते में कुछ गाड़ी की प्रॉब्लम हो गई या कोई एक्सीडेंट हुआ है दो कारण होते हैं एक ये हुआ कि आप लेट उठे आप खुद ही लेट उठे तो जहाँ पे आपको ये लगता है कि भाई यार ये काम तो मेरी गलती से हुआ है यानी आप गलती चेक करते हो और जहाँ पे आपको ये लगता है कि दूसरे की गलती कारण हुआ तो फिर आप अपने आप को इतना बोल चुके हैं वहाँ पे क्या एक्चुअली अपना फेल होना चाहिए एंड रिजल्ट ये हो गया कि फ्लाइट छूट गया नहीं आप लेट उठे तो भी आप क्या करेंगे स्पीड में तैयार होकर भागेंगे प्रयत्न करेंगे क्योंकि आपको दिखाई देगा कि ये कितना पूरा टिकट जाएगा। उसी का दूसरा एग्जांपल बोला था ये हाथ से ग्लास छूट गया अपन यो पकड़ते हैं पाँव लगाते सब करते ही नहीं करते फिर वो जो टूट गया तो फिर वो प्राप्त ये तो अपन पूरी कोशिश करते हैं उसको सेव रहने की नहीं उसमें ही मैं क्या बोल रहा हूँ तो आप क्या सोचोगे यू विल फील लिटिल मोर गिल्टी एक किसी बच्चे ने आपको मार के छुड़ा दिया बच्चा खेल रहा आपकी गोद जाके गिर गया वो छूट गया फिर आप बच्चे को ज्यादा दोषी देखते हैं तो ये नॉर्मली होता है एक्चुअली तो उस वो जो फीलिंग्स आती है एंड रिजल्ट तो ये है कि ग्लास गिर गया टूट गया लेकिन उसमें फिर आप कैसे भाव ही रुपये जय सच्चा अभी ना आगे नहीं चलो अच्छा वो क्या है कि कोई बच्चा आ गया उनका धक्का लग गया टूट गया तो मैं समझ जाएगा आपको तो व्यवस्थित चैप्टर क्लोज कर देगा सिंपल आपको तो आज्ञा मैं देने का है वे सब नए नए उनको समझाने के लिए कि हम एंड तक प्रयत्न करने का बाद में बोल सकते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ था वहां तक बोलने का राइट नहीं। अब पूछना सब आपके आपके फ्रेंड्स हैं सब आपका ग्रुप तो ये भाग्य मीन्स प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म पिछले जन्म में हमने जो कर्म बनाए उनका वो जो ये जन्म में फल देने के लिए सन्मुख होता है वो सबको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। और प्रारब्ध कर्म का मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपके हाथ में नहीं है सिंपल समझ में ऐसी बात आपके हाथ में नहीं आपको करना ही पड़ता है आपकी इच्छा नहीं है तो भी करना पड़ता है उनको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। मानो ये शालिनी बहन ने आपको इनविटेशन दिया है आज आने का है मेरा सत्संग आने का है
और आपको सत्संग में इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी उन्होंने बताया तो उनको बुरा नहीं लगे, इसलिए आना भी पड़ता है। इच्छा नहीं है तो भी नहीं आना पड़ता है, आपकी बात नहीं कहा समझा कि इच्छा नहीं है तो भी आना पड़ता है ना। तो यहाँ समझ में आता है कि प्रारब्ध कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है यहाँ समझ में आता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बहुत इच्छा है पर संजोग ऐसे आ जाते हैं कि इच्छाएं फिर भी नहीं जा सकते, तो वहां भी समझ में आता है कि प्रारब्ध कर्म क्या है। मगर इतना ही बताया गया, एडवांस में मत बोलना कि प्रारब्ध में जो होगा वो होगा, जो है जो होगा वही होगा। सुंदर क्लियर हुआ? तो ये प्रारब्ध कर्म, और पिछले जन्म में हमने जो नए कर्म बनाए वो नया कर्म कहाँ बनता है वो भी समझना पड़ेगा ना। आपको पता है नया कर्म कैसे बनता होगा? इस जन्म में नया कर्म कैसे बनता होगा? आप जिसको बोलते हैं अच्छे कर्म करो, तो मुझे ये बताओ कि आपके, मैंने जो एग्जाम उनका डेफिनेशन दिया ने कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो सब प्रारब्ध कर्म है, और आपके कंट्रोल में है वो सब नया कर्म है। तो आपके कंट्रोल में क्या है, मुझे दो चार पांच आइटम बताओ। कंट्रोल में ये जो कर्म हम कर सकते हैं, अच्छा किसी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किसी की जरूरत हो कुछ हेल्प कर सकते हैं। चलो रात को आप सो जाते हैं, सुबह में उठना आपके कंट्रोल में है? नहीं। पक्का? तो सुबह में उठ के टॉयलेट जाना आपके कंट्रोल में है? है नहीं। तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया तो तो फिर कंट्रोल में कब बोल सकते हैं 100% आपके कंट्रोल में, तो कंट्रोल में बोल सकते हैं। समझे? वो तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया तो आपको किसी की हेल्प भी लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, क्या डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। तो टॉयलेट जाने का भी आपके हाथ में नहीं है तो दुनिया में और कौन सी चीज आपके हाथ में हो सकती है? सोचने की बात ही है। इतने सिंपल जो टॉयलेट जाना भी आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो और कौन सा आपके कंट्रोल में हो सकता है? तो आप जिसको कर्म मानते हैं ना, अच्छा करते हैं वो कर्म है। तो अच्छा आया तो अच्छा, बुरा किया दोनों कर्म, चलो मान लो कि अच्छा किया तो पुण्य कर्म, बुरा किया तो पाप कर्म। मगर अच्छा या बुरा क्या करने का आपके हाथ में है? ये सत्संग में आने का भी आपके हाथ में कहाँ है? बराबर है कि डिंपल ने आपको बताया, कि डिंपल ने आपने कंफर्म किया, डिंपल ने मुझे भी बताया, तो मैंने बोला भाई उनको बोला थोड़ा मुझे मिले, ये बोला वो तो शॉप पे है, उनके शॉप है तो मुझे वो फ्री नहीं होंगे तो संडे को आएंगे ना, जरूर आ जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि आप एक दो दिन पहले नहीं मिल पाएंगे, तो मैंने बोला कि उनको इतना बोलना कि ज्ञान विद्या के समय थोड़ा आधा घंटा जल्दी आ जाए, थोड़ी बात हो जाए बाद में एक समझने के लिए। तो उसने आपको बोला तो आपको हुआ नहीं जाना है, पर आप उधर सब एडजस्टमेंट कर सकते हैं दुकान में, इसलिए आप आए। बराबर है? आप
आपके स्टाफ को सौंप के नहीं आ सकते ऐसा संजोग है तो आपके आने की इच्छा है तो भी नहीं आ पाएंगे। तो सत्संग में आना भी आपके हाथ में नहीं है और नहीं आना भी आपके हाथ में नहीं है। इनको एग्जांपल नहीं दिया कि इनकी इच्छा नहीं है, उनको तो सत्संग अच्छा नहीं लगा, पार्टी अच्छी लगती है तो उनको बोलेगी भी खरी कि भाई पार्टी वाले मुझे बोलना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो वो बोल नहीं रहा तो आपको आना ही पड़ेगा, तो उनको वो नाराज न हो इसके लिए भी आना पड़ेगा ना, एक समझने के लिए। और किसी को ऐसा भी हो सकता है बहुत इंटरेस्ट है कोई बता दे कंफर्टेबल है नीचे बैठे हो, चेयर है उधर चलेगा नीचे। तो आज कैसे आ गया आप कैसे आ गए? रीना पकड़ के लाई? हाँ हाँ लेके आई। अच्छी बात है, हम सत्संग में यही बात कर रहे थे अभी कि सत्संग में आना भी आपके हाथ में नहीं है, नहीं आना भी आपके हाथ में नहीं है। तो आपको कभी नहीं आना है तो भी जो रीना पकड़ के लाती है तो आना पड़ता है, उनकी बात सुननी पड़ती है। हाँ क्या करेंगे, उनको राजी तो रखना पड़ेगा, राजी तो रखना पड़ेगा। भाई जैसे कल निकली थे सत्संग आने के लिए साईं बाबा के टेंपल, तब तक कोई आ गया इंडिया से उनसे मिलने के लिए। हाँ ये बोल रहा हूँ कि उनकी आने की इच्छा भी थी, वो मतलब तैयार भी हो गए थे और एंड मोड पे कोई आ गया तो नहीं आ पाए। तो वहां वो क्या है, वो प्रारब्ध कर्म है। अच्छा हो गया आप आ गए तो मुझे आनंद हुआ। आयो हमारे कॉलेज से ना कंपनी में ही है। अच्छा है, अच्छा है। हाँ 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 अच्छा। रवि थोड़ा आगे और आगे, तेरे पीछे सब बैठे आगे। क्या आपका शुभ नाम? गगन। गगन अच्छा नाम है। कल भी उदय साहिब और टेम्पल में गगन आए थे ना, एक दूसरे भाई उनका नाम भी गगन था। ये सत्संग में प्रश्न पूछते हैं, सब इंटरेक्टिव डिस्कोर्स है। तो आपको कुछ भी प्रश्न पूछता है ना फील फ्री, प्रश्न भी कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, फील फ्री, हमें बुरा नहीं लगेगा। जो भी पूछना है सब पूछ सकते हैं। रीना तो सब पूछती है पर आप भी पूछ लेना, उसने बताया होगा ना, सब बताया किसने पकड़ के लेके आए, सब बताया नहीं। भावना और ये दोनों बता दे कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं ना। आपने क्या क्या बताया मुझे पता चले तो फिर दूसरी बात करूं ना। हाँ हाँ कुछ बता दी नहीं, बहुत अच्छी। तो ये जो चीज है ना कर्म और कर्म फल, वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं,
कि नया कर्म कहाँ बनता है, तो गीता में कृष्ण भगवान ने, यू अंडरस्टैंड हिंदी, गीता में कृष्ण भगवान ने बताया कि कर्मण्येवादी का रस्ते मा फलेषु कदाचन, सुंदर बराबर ऐसा ही बताया, कर्मण्येवादी का रस्ते मा फलेषु कदाचन, उनका मीनिंग क्या हुआ, उनका मतलब क्या हुआ, कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी, कर्म करते रहिए, ऐसा कर्मण्ये कर्मण्येवादी का अस्ते, वादी का अस्ते एटले कर्म करने का तेरा अधिकार है, कर्म करते रहिए ऐसा नहीं बोला है, आप चेंज कर देते हैं और मां फले सो कदाचन मीन्स कर्म फल में आपका अधिकार नहीं है, तो आपकी गलती नहीं, सब लोगों ने ऐसा बताते हैं ना, इसमें आपकी गलती नहीं है। बस सिंपल बात कृष्ण भगवान की ये थी कि कर्म करने का तेरा अधिकार है, तेरा अधिकार में तेरा कंट्रोल है, तेरा राइट है, और जहां नया कर्म बन रहा है वहां तेरा कंट्रोल है, तेरा राइट है, और जहां कर्म फल है वहां तेरा कोई कंट्रोल भी नहीं है और तेरा कोई अधिकार भी नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई पक्का? तो गगन जी आज आप सत्संग में आए तो आप खुद आए ना, कि वो खींच के लाई रीना, तो बता नहीं सकता वो आया है, हाँ मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपकी इच्छा भी है सत्संग में आने की, उसने बता और आप आ गए तो आपको क्या लगेगा कि मेरा कंट्रोल है, मेरी इच्छा थी तो मैं आया, तो आपको लगेगा ये मेरा कर्म है, नया कर्म है, अच्छा शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, सत्संग में जाना, मंदिर में जाना, कुछ सेवा करना, लगता है ये पुण्य कर्म है। वो एक समझने के लिए कि सत्संग में आना या नहीं आना दोनों हमारे कंट्रोल में है, गगन जी आप प्रश्न नहीं करें इसलिए मैं आपको करता हूं, सत्संग में आना या नहीं आना दोनों आपके कंट्रोल में है, नहीं है, आपकी भावना है, आपकी इच्छा है, आप आ गए, मगर वो क्या है कि सब संजोग मिल गए तभी आप आते हैं, कभी ऐसा भी होगा कि आपकी भावना है मगर सामने दूसरा ऐसा कुछ काम आ गया तो आपकी इच्छा है तो भी नहीं आ पाएंगे। जैसे नरेश भाई का कल का एग्जांपल दिया ने, वहां साई टेम्पल में याबा में सत्संग था, उनको आना भी था, वो तैयार होकर निकल ही रहे थे तो क्लाइंट आया था, इंडिया से आया था, तो फिर उनके साथ बैठना पड़ा, तो उनकी इच्छा थी, सिंसियर डिजायर वॉज देयर, बट स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू अटेंड सत्संग, तो क्या हुआ, वो उनके हाथ में नहीं, उनके कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो सब कर्म फल है। तो मैंने ऐसा थोड़ा अदर वे भी एग्जाम्पल दिया कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें नहीं आना है तो भी जाना पड़ता है, ऐसा हो जाता है ना। रीना को मैंने बताया कि आप अकेले क्यों आते हैं, तो फिर वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं आपका एक दिन तो आने का ही है, तो आप सोचे भाई मुझे इतना सारा काम है, नहीं एक बार तो आ जाओ, तुमको राजी रखने के लिए भी आना पड़ता है, इच्छा नहीं है तो भी आना पड़ता है। ऐसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपकी इच्छा नहीं है तो भी आना पड़ेगा, इसलिए सत्संग में आना या सत्संग में नहीं आना वो दोनों कर्म फल है।
तो कर्म फल किसको बोलते हैं उसके लिए मैं आपको एक थंब रूल देता हूं। थंब रूल, ये पांच इंद्रियों से जितना भी अनुभव में आता है ना, आप यहां के बैठे मुझे आंख से दिखाई देगा ना, आप कुछ प्रश्न करेंगे मैं बोलूंगा आपको सुनाई देगा, तो पांच इंद्रियों से विद फाइव सेंसेस व्हाट एवर वी कैन एक्सपीरियंस ऑल दैट थिंग इज कर्म फल। क्लियर सिंपल थंब रूल सिद्धांत बताया है कि पांच इंद्रियों से जो कुछ भी समझ में आता है वो सब कर्म और फल है। तो आप यहाँ के सत्संग बैठते प्रश्न पूछते सुनते वो सब इंद्रियों से अनुभव में आता है, वो कर्म और फल है। तो फिर प्रश्न रहता है कर्म कहाँ है, तो आपके आने से पहले बात हुई कि दो चीज समझने की जरूरत है। तो सुंदर है ना, उन्होंने पूछा कि भाग्य और कर्म, तो भाग्य को कर्म फल बोलते हैं, भाग्य को प्रारब्ध कर्म भी बोलते हैं, और नया कर्म बन रहा है वो भी। तो इन सिंपल लैंग्वेज, वेरी सिंपल लैंग्वेज बताऊं तो वन चार्जिंग कर्म एंड वन डिस्चार्जिंग कर्म, दो प्रकार के कर्म है। फिर उसका ज्यादा क्लासिफिकेशन कर सकते बट इन सिंपल वे देर आर टू टाइप्स ऑफ कर्मस, वन न्यू कर्म चार्जिंग कर्म एंड द वन डिस्चार्जिंग कर्म एग्जॉस्टिंग कर्म पास्ट डिस्चार्जिंग कर्म। तो क्या होता है कि जनरली सब लोग कर्म फल को ही कर्म मानते हैं, मीन्स ये देखी क्रिया एक्शन ऑफ बॉडी स्पीच और एक्शन ऑफ माइंड थॉट्स उनको ही हम कर्म मानते हैं जनरल। मगर वो तो सब एक्शन हो गई, वो इंद्रिया से अनुभव में आती है, इसलिए लॉर्ड कृष्ण के हिसाब से दे आर ऑल कर्म फल, इफेक्ट ऑफ द पास्ट कर्म और डिस्चार्जिंग कर्म। तो ये क्लियर हुआ तो सामने प्रश्न रहा कि तो फिर नया कर्म कहाँ है। तो सुंदर आपको ख्याल में आया नया कर्म कहाँ होगा? वही शुरू होते वही बात चल रही थी। तो नया कर्म वही है जो हम लोग इस जन्म में करेंगे अच्छे। हाँ भाई, इस जन्म में नया कर्म क्या है? वही एग्जांपल दिया मैंने, किसी की मदद करते हैं क्या, किसे की मदद करते हैं वो तो अभी इंद्रियों से अनुभव में आएगा। आपने किसी को हेल्प किया तो मुझे दिखाई देगा, या तो जिनको मदद उनको तो दिखाई देगा ना। तो जिस जो पांच इंद्रियों से जो अनुभव में आता है वो तो सब कर्म फल हो गया, तो फिर नया कर्म कहाँ है? मानो आपने किसी को हेल्प किया, बराबर है, यू हेल्प समबडी, फिर आपको पता चलता है ये तो आदमी बहुत गलत है, तो आपको भीतर क्या होगा, उनको हेल्प करने जैसा नहीं था। तो आपकी जो एक्शन है आपने हेल्प किया वो सब अनुभव में आएगा, और भीतर ये जो आपको चलता है ना उनको हेल्प करने जैसा नहीं था, तो योर एक्शन इज डिफरेंट एंड द एंडोर्समेंट विद इन इज डिफरेंट। तो भीतर जो एंडोर्समेंट होता है ना वहां नया कर्म, क्यों? क्योंकि एंडोर्समेंट आप चेंज भी कर सकते हैं। तो भाई शॉर्ट टर्म में उसको भागना बोलते हैं, अंदर क्या सोच ना, भावना भावना भी अलग है, भावना तो आगे ही बैठी है। एक ऐसा है कि हमने किसी को डोनेशन दिया,
आइए आइए। हमने किसी को डोनेशन दिया, बराबर है। मानो गगन जी आपकी बात करूं, क्योंकि आपका भी नाम, सबका नाम पता नहीं है, सब नए नए हैं। आपका नाम याद है, याद रह गया मुझे भी गगन जी। मान लो, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए मान लो कि आपका नेचर ऐसा, आपकी प्रकृति ऐसी है कि आप, इससे ऑपोजिट है मगर ऐसा मैं बता रहा हूँ, कि आप कोई अच्छे काम में हेल्प कर सकते नहीं है, पैसे छूटते नहीं है अच्छे काम के लिए, ऐसा आपका नेचर है, आपकी प्रकृति है। उनका पूरा ऑपोजिट है तो मुझे पता भी है, तो ये एग्जांपल समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। और आपने कोई ऐसी जगह पे हेल्प कर दिया, डोनेशन दे दिया, तो मैं आपको बोलूँगा गगन जी, मुझे पता चलेगा तो मुझे आनंद होगा, तो मैं बोलूँगा गगन जी आपने बहुत अच्छा किया, ऐसे अच्छे काम में आपने हेल्प कर दी, बहुत अच्छा किया। तो आप क्या बोलेंगे, अरे जाने तो बात ही मत करो, मैं तो देने वाला नहीं था, भाई लोग पीछे पड़े तो मुझे देना पड़ा। आई बात समझ, पीछे पड़ गए इसे मुझे देना पड़ा। तो ये क्या हुआ, आपका जो कर्म फल है वो तो पॉजिटिव है क्योंकि आपने डोनेशन दिया है, मगर भीतर आपकी फाइनल सिग्नेचर क्या है कि मैं तो देने वाला नहीं था, मुझे देना पड़ा। तो भले आपका कर्म फल पॉजिटिव है, मगर नया आप पाप कर्म बांधते हैं। सुंदर समझ में आई बात, लोग बोलेंगे सुंदर ने अच्छा काम किया, लोग बोलेंगे, मगर भगवान समझते हैं कि क्या हुआ, कि बाहर उनका कर्म फल पॉजिटिव है, लोग वाह वाह करेंगे, तालियां बजाएंगे, मगर नया कर्म पाप कर, पैसे चंदा देने के बावजूद भी पाप कर्म बनाते। फिर दूसरा एग्जांपल दूं कि मैं आपको बोलूंगा कि गगन जी आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे काम, अच्छे अच्छे काम में चंदा दे दिया, तो आप क्या बोलेंगे मुझे, करे बता जी आप मुझे जानते हैं कि मेरी प्रकृति कैसी है, मैं अच्छे काम में पैसा दे नहीं सकता हूँ, मगर ये लोगों ने प्रेशर करके अभी लिया ने, तो एक अच्छा हो गया कि मेरा से एक अच्छा काम तो हो गया, तो क्या हुआ, योर सिग्नेचर इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो आपका कर्म फल भी पॉजिटिव है और नया कर्म भी पॉजिटिव बनता है। सिंपल, पहले पॉजिटिव नेगेटिव था, अब पॉजिटिव पॉजिटिव है। फिर तीसरा एग्जांपल देता हूं कि सुंदर जी आपने चंदा तो दे दिया, फिर आपका कोई कलीग है, वो आपको बोलेगा आपका कली, अरे सुंदर जी आपने बहुत बड़ी गलती की, आप ये सबको जानते नहीं है, आपने चंदा दिया ने सब अपनी जेब में डालेंगे, कुछ काम होने वाला नहीं है। तो क्या हुआ, वो आपका कली का कर्मफल तो नेगेटिव, सबको चंदा दिया नहीं है, मगर भीतर एंडोर्समेंट भी नेगेटिव है, तो उसने बाहर कोई एक्शन नहीं की है, फिर भी नया पाप बनाएगा। और चौथा एग्जांपल देता हूं कि आपका कलीग क्या सोचेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ऐसे अच्छे काम में दे नहीं सकता हूं, मगर मेरा फ्रेंड कितना अच्छा है कि उसने ऐसे अच्छे काम में इतना चंदा दे दिया, इफ आई हैव मनी तो इवन आई वुड हैव डोनेटेड। तो उसने उसने कुछ डोनेशन दिया नहीं है, उनका कर्म फल नेगेटिव है, मगर नया एंडोर्समेंट क्या है, पॉजिटिव। सो क्या हो जाता है कि विदाउट गिविंग ए सिंगल नायरा फॉर डोनेशन,
ही इज एडिंग न्यू पुण्य कर्म इन हिज कर्मिक अकाउंट, क्योंकि उनका एंडोर्समेंट पॉजिटिव है। समझ में आया? तो हम जो आप जो बोलते थे ना कि हम अच्छी क्रिया करते हैं, अच्छा कर्म है, क्रिया से कर्म नहीं है। भीतर फाइनल जो आपका एंडोर्समेंट होता है, लास्ट में जो सिग्नेचर होती है, वहां आपका कर्म। और वहां कर्म क्यों बोला? तो मैंने जो एग्जांपल दिया कि गगन जी का नेचर ऐसा है कि अच्छी जगह डोनेशन नहीं दे सकते, मगर ऐसा डोनेशन देना पड़ा तो अपने खुद के साथ बात कर सकते हैं। गगन जी, यू कैन टॉक विथ योर सेल्फ कि देखो ना अभी ये संजोग ऐसा अच्छा आ गया है, ऐसे अच्छे काम, ऐसा आपका मन तो चिल्ला है और पहले वो ऊपर नीचे होगा, मन तो डिस्टर्ब हो जाएगा, सबने प्रेशर कैसे देना पड़ता है। देन यू कैन टॉक विथ योर माइंड, चलो भले जो भी अभी दे ही दिया है तो अच्छे काम में दिया है तो अपने से काम तो अच्छा हो गया ना, तो फिर मन भी स्वीकार करे हाँ बात तो सही है, तो ये पॉजिटिव कर्म हो गया। और मानो कभी ऐसा भी हो जाता है कि माइंड विल नॉट एक्सेप्ट, आप उनको कितना भी कन्विंस करने का प्रयत्न करेंगे बट माइंड विल नॉट गेट कन्विंस्ड, एट दैट टाइम क्या करने का, जस्ट टेल योर माइंड ओके व्हाट यू वांट टू थिंक यू थिंक बट आई डोंट एग्री विथ यू। समझ रहे? तो क्या होता है कि जो भी एक्शन है, जो भी नेगेटिव एक्शन है बट यू आर नॉट एग्रीइंग विथ दैट थिंग, तो आपका कर्म फल नया कर्म पॉजिटिव हो गया। गगन जी समझ में आया? तो ये तो मैंने आपको एक स्टेप बताया, वन स्टेप, कि हम संसार में पुण्य और पाप बना रहे तो एट ईच एंड एवरी मोमेंट वी आर एडिंग इन अवर कर्मिक अकाउंट आइदर न्यू पुण्य कर्म और पाप कर्म, बट टू एंजॉय और सफर दैट पुण्य और पाप अगेन वी विल हैव टू टेक अनदर बर्थ, सो अ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ विल कंटिन्यू। मगर क्या है कि पहले पाप कर्म ज्यादा बनाते उसे पुण्य कर्म बनाएंगे तो आपको फिर आगे सुख मिलेगा या तो देव गति में जन्म होगा, बट अल्टीमेट गोल ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ एज एन इंडियन इज टू रियलाइज हु एम आई, मैं खुद कौन हूं उनकी पहचान हुई तो मनुष्य जन्म सार्थक हुआ, ए ह्यूमन लाइफ इज सक्सेसफुल, ऐसा बोल सकते, वहां तक बोल नहीं सकते। कहें जी ख्याल में पूछना, यू फील फ्री, यू कैन आस्क फ्रीली, नो प्रॉब्लम। आपको लगता है ना कि आई डोंट एग्री, ऐसा भी बोल सकते हैं, ये आराम से, ये इंटरेक्टिव सस्ते सब पूछ सकते हैं। अभी सब मन में से निकाल दिया, गगन जी अच्छे आदमी है, वो तो वैसे एग्जांपल के दिए बता। तो सबको क्लियर हुआ कर्म कर्म फल? सुंदर जी क्लियर हुआ ना? तो मैं क्या बता रहा हूं, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि ये कर्म है और ये कर्म फल है, तो आप पुण्य की ओर जाएंगे, मगर आपकी मुक्ति कब हो सकती है? जब आपके स्टॉक में पाप भी नहीं है पुण्य भी नहीं है कर्म के स्टॉक में, तभी मुक्ति हो सकती है। डेट मीन्स सबसे पहले नया पाप और पुण्य आपके कर्मिक अकाउंट में ऐड होना बंद हो गया,
तो व्हाट योर स्टॉक इज देयर वो धीरे 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 खर्च करते करते कोई पुण्य भी नहीं बचा, पाप भी नहीं बचा, तभी मोक्ष में जा सकते हैं। जिनको पाप पुण्य नहीं होता है नया पाप या पुण्य नहीं बनता है, उनको बोझा नहीं होता है, लोड नहीं होता है, टेंशन फ्री होते हैं, वरी फ्री होते हैं। वो ड्यूटी पे, वो ड्यूटी पे तभी टेंशन नहीं, घर पे जाता है तो आ जाता है। पर कैसे बात है, निजानंद में रहते हो तब टेंशन फ्री हो। हाँ निजा, सही बात है, निजानंद में रहते, निजानंद में रहते। हाँ बोलियो। जो कर्म का आपने बताया, जैसे आपने बताया कर मन से किया हुआ कर्म है, हाँ, तो ही वो सब कर्म गिना जाएगा, जैसे प्लस एंड माइनस पॉजिटिव नेगेटिव। मन की भी बात नहीं है, मन में जो विचार आते हैं ना, मन के विचार को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मन में विचार जो आते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मन भी कर्म फल है। मगर ये जो अंतस्करण मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, कुछ भी हुआ, फाइनल सिग्नेचर, फाइनल एंडोर्समेंट अहंकार का होता है। तो दैट फाइनल सिग्नेचर जहाँ होती है ना, वहाँ नया कर्म है। ज्यादातर हम कौन सा कर्म नॉर्मल लाइफ में, एक आम आदमी की लाइफ में कौन से कर्म बनते हैं, अच्छे या बुरे या दोनों? दोनों बनते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, पर मोस्टली कलयुग में सब बुरे ही बनते हैं। करेक्ट। तो वो अगर सही करने का है तो उसके लिए क्या है, मन को कंट्रोल करना है या वो डिसीजन लेके अच्छे कर्म नहीं करने? ये एंडोर्समेंट जो करते हैं ना, वहां जागृत हो जाने का है। ये जो पूरी स्टोरी बताया ना, वो चार जो अलग अलग प्रकार, चार प्रकार बताया ना, कि डोनेशन दिया और भीतर भी रह गए, चलो मेरे कहा हाथ से काम तो अच्छा हो गया, तो आपकी सिग्नेचर पॉजिटिव में। फिर दूसरे में क्या है कि आप बताए, मैं तो देने वाला ही नहीं था, मन बताए देने वाला ही नहीं था, और आपके सिग्नेचर भी उसमें है। पहले में आपका मन तो बोल चिल्लाता है, मगर आपका एंडोर्समेंट क्या है, नहीं नहीं एक अच्छा काम हो गया। तो मन में जो अच्छे बुरे विचार आते हैं वो सब कर्म फल है, वो प्रारब्ध कर्म है। बट योर फाइनल एंडोर्समेंट, दोनों अलग, दोनों अलग है, वो सेम होगा तो ही कर्म सही होगा। नहीं, विचार को आप एंडोर्स करोगे तब कर्म भाई, माने दोनों पॉजिटिव करते हैं। नहीं नहीं, आपका नेगेटिव विचार है तो आप एंडोर्स नहीं करेंगे, तो दोनों सेम नहीं होगा। जैसा आपने बताया कि अगर हो गया फॉर एनी रीजन, मैं क्या बता रहा हूँ, आपको डोनेशन दिया, आपको अंदर हुआ गया, अच्छा हुआ, मन भी बोला चलो अच्छा काम हो गया, और उसमें एंकर सिग्नेचर करता है, तो क्या पॉजिटिव में एंडोर्स किया तो पॉजिटिव कर्म बना लिया। कभी ऐसा होता है कि आपने डोनेशन दिया और मन बताएगा नहीं नहीं ये गलती हो गई, गलती हो गई, और एंकर भी इसमें सिग्नेचर करेगा तो क्या हुआ, नेगेटिव में सिग्नेचर हो गई। मगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने डोनेशन दिया, मन चिल्लाएगा देने जैसा नहीं था, मगर आप एंडोर्समेंट क्या करेंगे, नहीं नहीं वो अच्छा हो गया, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, तो मन चिल्लाता है, हम क्या बोलेंगे, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू डू, बट आई डोंट एग्री विद यू। नहीं, पर मनुष्य तो ऐसा ही ना, एक बार दिया तो भूलेगा नहीं, कभी उसको लगेगा कि दिया अच्छा किया, थोड़े दिन बाद कुछ बात दूसरी हो तो मन में तो आ गया वापस, तो मन में आएगा, बट ही विल नॉट एग्री विथ योर माइंड, हिज माइंड, यू से इन योर माइंड लेटर ऑन इट मे कम कि मैंने दिया गलत किया, बट योर इगोइज्म विल नॉट एग्री विथ योर माइंड। तो
तो वो जो पहली बार विचार आया वही एंडोर्समेंट है या बाद में जो विचार आया वो एंडोर्समेंट होगा? एंड विचार में एंडोर्समेंट नहीं है, विचार इज नॉट एन एंडोर्समेंट, विचार के साथ समर्थन, उसके साथ बहना, विचार के साथ एग्री होना या डिसएग्री होना, दैट इज टोटली इन योर कंट्रोल। आपको अच्छा विचार, आपको अच्छा विचार उनके साथ एग्री होना वो भी आपके कंट्रोल में है, और बुरा विचार आया एग्री होना डिसएग्री होना सब आपके कंट्रोल में है। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में क्या बताया, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जहां सारा जगत सो रहा है वहां संयमी जागते हैं, और जहां सारा जगत जाग रहा है वहां संयमी सोते हैं। तो भगवान ने बहुत सिंपल क्लियर बताया है ऐसा, पर लोग क्या समझते हैं, लोग अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। और मैं तो छोटा था, मैं क्या समझता था कि हम रात को लेट तक जागते हैं और ये संयमी लोग हैं वो लोग जल्दी सो जाते हैं, तो हम जागते हैं वो सो जाते हैं, और सुबह में वो लोग 4 बजे उठ जाते हैं, हम 8-9 बजे उठते हैं, तो वो जागते हैं तब हम सोते हैं, ऐसा समझता था। मगर भगवान कहना क्या चाहते हैं कि सारा जगत कहाँ सो रहा है, तो नया कर्म बन रहा है वहाँ सो रहा है, और संयमी कहाँ जागते हैं, नया कर्म बन रहा है वहां जागते हैं। तो हमें जागृत हो गए, हमें क्या करने का कि नया कर्म बन रहा है वहां जागृत हो जाने का। तो जाने अनजाने में कोई भी जगह पे नेगेटिव में एंडोर्समेंट हो गया तो वहां जागृत होके पॉजिटिव कर देना, वो हमारा पुरुषार्थ हो गया, तो वहां फिर कर्म पॉजिटिव हो गया। सिंपल गगन जी, बात समझ में आई? और एक बात बताई आपने जो तीसरे उसमें, अगर कोई किसी को फोर्स कर देता है कि आप डोनेशन दे दो, तो मेरा तो बोलने से मेरा पॉजिटिव हो गया, अगर उन्होंने डोनेशन दिया मेरा तो बहुत भी फायदा हो गया, तो मेरा कर्म अच्छे कैसे हो गया, खर्चा उन्होंने किया, पेमेंट उन्होंने, उनका माइंड भी एंडोर्समेंट भी उनका है, उन्होंने पॉजिटिवली लिया और दिया, तो मेरा कर्म कैसे अच्छा? हाँ, वो बात कैसी है कि आपके पास पैसे है ही नहीं, बराबर, तो आपके आपके मन, आपका मन क्या बताता है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं भी देता था, तो कर्म फल में आपका नेगेटिव, आपने कुछ दिया नहीं है, और बाद में जो एंडोर्समेंट होता है आप मन के साथ एग्री होते हैं तो एंडोर्समेंट पॉजिटिव में हो गया, तो विदाउट गिविंग ए सिंगल कोबो इन डोनेशन you are adding new positive karma in your karmic account. Karma ka principle bahut complicated hai, wo ekdam simple karke aapko bata raha hu, ekdam most simple way mein aapko bata raha hu. Sundar ji khel pa hai, ha bol dada ji ka drishtant hai na, wo example hai kasai ka. Kaun sa? भाव कर्म के बारे में, ऐसा तो उसका काम तो होने के लिए अंदर से उसकी इच्छा नहीं है। कौन सा एग्जांपल आप बोल? जैसे कसाई है, वो पूरे दिन वो उसका काम है करने का, और अंदर से भाव करता रहता है कि मेरी ये इच्छा नहीं है, मेरे को मजबूरन ये काम करना पड़ता है। हाँ बराबर है, काम उसका नेगेटिव है, लेकिन वो मानो कोई बुचर है, वो क्या करेगा, पूरा दिन हिंसा ही करेगा ना, मगर उनको कहीं ऐसा मित्र मिल गया, ऐसा कोई समझाने वाला मिल गया, तो उनको समझ में आ रहा है ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, मगर वो कर्म फल तो उनको छोड़ेगा नहीं, तो पूरा दिन वो एनिमल को काटता रहेगा, मगर भीतर उनका सिग्नेचर में क्या होगा, अरे मेरे पार्ट में ऐसा बिजनेस कहाँ आया है, मुझे कहाँ करना पड़ता है,
तो उनका भीतर से एंडोर्फिन पॉजिटिव हो गया। ये कैसी बात है गगन जी कि मानो आप इंडिया गए हैं और आपका ऐसा फ्लैट है वहां, और रात को ऐसा 11 बजे कोई गेस्ट आ गए और ये रीना जी तो सो गए, आप बैठे तो बेल बजाएंगे दरवाजा, आप देखेंगे ना और देखेंगे कह रहे ये तो ये सत्संग आया है, तो सत्संग को तो आप पहचानते हैं, बराबर पहचानते हैं, पहचानते नहीं पहचानते वरना नहीं पहचानते आप तो ही पहचानते नहीं। चलो अच्छा, रीना के क्लोज फ्रेंड का फ्रेंड हस्बैंड है तो फिर पहचानेंगे फिर हाँ थोड़ा थोड़ा हाँ अभी पहचान लेना अच्छी तरह से। तो वो आ गया तो आप जानते यहाँ से जानते लेगो से तो उधर आ गया तो आप वेलकम तो करेंगे ना, इंडियन है तो अरे आइए 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 पधारिए। फिर मन में होगा अभी रात को 11 बजे आ गया क्या करेंगे, फिर भी एक पूछेंगे कि चाय बनाऊँ आपके लिए, तो सत्संग बोले नहीं नहीं चाय तो नहीं पीना है अभी, तो आपको अंदर शांति हो हाथ बच गए। तो मानोगे रीना सो गई है, रीना सो गई है, वो थकी हुई है, बहुत नींद आती है, और अभी मान लो उनका स्वभाव थोड़ा तेज है, मान लो है नहीं तेज ऐसा मान लो, अभी वो सत्संग बाद में बोलेगा देखो ने काम करो ने मेरा तो क्या लेट हो गया आपको इन्फॉर्म करने का था, मोबाइल डिस्चार्ज हो आपको बता नहीं पाया, मगर आपको पता नहीं मैं तो क्या बाहर भोजन नहीं करता हूँ, अभी थोड़ा कुछ सिंपल खा लूँगा, रोटी सब्जी या खिचड़ी कड़ी कुछ खा लूँगा, फिर सुबह में चाय पियेंगे, तो क्या हालत होगी आपकी, बराबर एक समझने के लिए। अबे रीना को आप उठाने के लिए जाएंगे तो मेरा ऐसा एग्जांपल देगा, मान लो कि उनका दिमाग बहुत तेज है तो उनको उठाने में भी आपको भय लगेगा, डर लगेगा कैसे उठाए, मगर अभी कोई रास्ता ही नहीं है तो जाके उठाएंगे, अभी उनको उठाएंगे तो वो तो चिल्लाएगी, सबसे पहले वो चिल्लाएगी अभी रात को अभी मुझे क्यों उठाते, कितनी मुझे कितनी थकी हुई हूँ, तो आप बोलेंगे कि वहाँ से लेगो से वो सत्संग भी आए हैं क्या करेंगे, अरे आप जिसको जिसको आमंत्रण दे देते हैं इन्विटेशन दे देते आने के लिए, आपका फ्रेंड है आपको जो करना है करो होटल में लेके जाओ कुछ भी करो, तो आप बोलेंगे अरे पर वो तो ना बोलता है कि मैं होटल का नहीं भोजन करता हूँ बाहर नहीं खाता हूँ, तो किसी घर पर लेके जाओ आपके फ्रेंड के घर पर, मैं बाहर आने वाली नहीं हूँ, तो कैसे हालत हो जाती है, बाहर आके बोल नहीं सकते, मगर ये लोग भी हम ये आदमी लोग भी कच्चे नहीं होते, वो जानते कि दुखती नस कैसे दबाना, तो धीरे से क्या बोलेंगे कि मैं तो उनको मित्र के घर पे लेके जाऊंगा, मगर वो जब लेगोस आएगा वो क्या बोलेगा कि हम गगन जी के घर पे गए 11 बजे पहुंचे, उनकी वाइफ रीना तो बाहर भी नहीं आई, हमें ग्रीट भी नहीं किया, और उनको हमें खाना खाने के लिए दूसरे के मित्र के घर पे लेके जाना पड़ा, तो मेरा खराब नहीं दिखाई देगा तेरा खराब दिखाई देगा, तो क्या होगा वो तुरंत खड़ी होकर आ जाएगी ना, ऐसा बोलेंगे तो उनको अगर मेरा खराब दिखाई देगा तो तुरंत आ जाएगी, आई बस हम अभी बाहर आएगी ग्रीट करेगी खाना पकाएगी खाना खिलाएगी सब कुछ करेगी, और खाने के लिए बैठे तो आग्रह करके खाना खिलाएगी, सब कुछ होगा कि नहीं होगा, मगर भीतर क्या चलेगा क्या अभी आधी रात को कैसे आ गए, कुछ मैनर जैसा है ही नहीं, मैनर जैसा है कि नहीं, पहले से बोलना तो चाहिए, और आ गए नहीं खाया है तो बोलना नहीं चाहिए, फास्टिंग कर लेना चाहिए, सुबह में तो खाना मिलने वाला था ना, तो ऐसा भीतर अंदर एट द इनर कॉन्शियस लेवल वो टर्मोइल चलता है, अंतस्करण में मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना वहाँ वो टर्मोइल पूरा घर्षण चलता है। अभी उस समय
रीना आप आपके मन के साथ बात कर सकते हैं कि देखो रीना अब ये आ गए गैस आपने बनाया भी है और हम तो आर्य है ना, तो हमारा आर्य संस्कार क्या बोलता है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि भी जो तिथि बताए बिना आ टपके उनको अतिथि बोलते हैं, तो उनका देव के समान सत्कार करना चाहिए ना? तो आपका मन फिर कन्विंस हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपका एंडोर्समेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। और बाय चांस आपका मन कन्विंस नहीं भी होता है तो आप अपने मन को बोल सकते हैं कि व्हाट एवर यू वांट टू थिंक यू थिंक, आई डोंट एग्री विथ यू। तो क्या हुआ, आपका एंडोर्समेंट पॉजिटिव हो गया। क्लियर हुआ अभी? तो ऐसे ऐसे सुबह से शाम तक, रात को सो जाते हैं वहां तक, कितनी बार हम जाने अनजाने में नेगेटिव में एंडोर्समेंट करते हैं। तो वहां अभी जागृत हो जाने का और उनको मन को अंतस्करण को कन्विंस करके पॉजिटिव कर देना, ये आपका पुरुषार्थ। हाँ बोलिए। इसमें मान लीजिए इन्होंने एंडोर्स नहीं किया तो उन्होंने उनको जो सेवा मिली है तो उसकी वजह से इनको कुछ ब्लेसिंग मिलेगी कि नहीं? सेवा तो क्रिया फल है, तो उन्हें उसका कुछ फल मिलेगा इनको? नहीं मिलेगा उनका, तो ये स्थूल में मिलेगा ना, वो यहाँ का यहाँ मिल जाएगा। वो जाके बोलेगा सबको कि उन्हें रात को भी खा के खिलाया, मुझे बना के खिलाया, तो सब उनको एक एक उनको इतना क्रेडिट मिलेगा, मगर दूसरा फायदा नहीं होगा। तो उस कंडीशन में तीनों को लॉस होगा, तीनों का कर्म, तीनों का किस, उन्होंने भी आगे तकलीफ दी उनको ना, वो नहीं है। वो नहीं हुए तो आपको तो कहा कर्म बनता है वो समझने का है। उनका कर्म कहाँ बना होगा? उनका नहीं, मैं क्या, मैं अभी बनाने वाले का एग्जांपल दे रहा हूँ उन्हें, तो उनकी बात करेगी, उनका कर्म कहाँ बनता है, तो कि बनाने के बाद भी पाप बनता है, पाप कर्म बनता है, और बनाने के बाद भीतर दर्शन चलता है, उनको ऐसा कन्विंस करते तो पुण्य कर्म हो गया। बाय चांस वो कन्विंस नहीं हुआ तो उनके साथ डिसएग्री होते हैं तो भी पुण्य कर्म हो गया। तो आपको एग्जैक्ट इसमें कर्म कहाँ बनता है उनकी बात करते हैं, तो किसने क्या बनाया उसकी बात नहीं, कर्म कैसे बनता है। कल मैं, हाँ अभी बोलिए, मतलब हम किसी की सेवा करते हैं तो वो मन से जब करेंगे तभी कर्म बनेगा। मन से करते सर नहीं, मन से करते हैं मगर आपका एंडोर्समेंट भी होना चाहिए, अहंकार की सिग्नेचर। और हम हमारे कर्म से किसी को तकलीफ होती है उससे हमें, उससे भी हमारा कर्म वो होता है ना, बराबर है कि आपके आपके आपकी क्रिया से आपके कर्मों फल से किसी को हर्ट हो सकता है, वो आपके साथ रिवेंज की भावना रखेगा, तो फिर वो चुकाना पड़ेगा, ऐसा हो। एंडोर्समेंट तो तभी होगा ना जब आप मन से करोगे। क्या कुछ भी कार्य, हाँ कोई भी कार्य मन से नहीं, मन से नहीं करते हैं तो भी एंडोर्समेंट कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल दे, खाना पकाया और ये उनको समझाते हैं कि तो आगे संस्कार अपना ये है, आती थी देवो भव, तो क्यों ऐसा नेगेटिव सोचते है, फिर भी मन एग्री नहीं होता है, मन इज नॉट गेटिंग कन्विंस, तो क्या करने का, तो आप मन के साथ एग्री मत हो, यू डिसएग्री विथ योर माइंड। मेरा कहने का मतलब क्या है कि मन के लेवल पे कर्म नहीं बनता है, सारा जगत ऐसा मत है कि मन के लेवल पे कर्म बनता है।
अभी ये बात किसी को समझ में नहीं आई। सब ऐसा मत है, मन से किया तो कर्म बन गया, और मन से नहीं किया तो कर्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मन भी आपके कंट्रोल में नहीं है, मन में विचार अच्छा विचार करना है तो कर सकते हैं, बुरा विचार बंद करना है तो कर सकते हैं। मीन्स मन इज नॉट इन योर कंट्रोल, और आपके जो कंट्रोल में नहीं है वो कृष्ण भगवान के हिसाब से क्या हुआ, कर्म फल हुआ। मैं नहीं बोलता हूं, कृष्ण भगवान ने बताया, बराबर, कृष्ण भगवान ने बताया कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपको ये बात समझ में आ गई तो क्या करने का अभी? तो भगवान ने बताया कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी। तो आज तक हम सुबह से लेकर रात को सो जाते थे, वहां तक जहां जहां नेगेटिव में सिग्नेचर हो जाती थी, पाप कर्म हो जाता था, वहां हम जागृत नहीं थे, हम सोते रहते थे। अभी वहां जागृत हो जाने का और एंडोर्समेंट पॉजिटिव में कर देने का, तो सारा दिन में आपके सारे कर्म पॉजिटिव रहेंगे, तो पॉजिटिव रहेंगे तो आगे जाके आपको सुख मिलेगा। और आपको मोक्ष में जाना है तो पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होना पड़ेगा, पाप और पुण्य दोनों से पार जाना पड़ेगा। मगर ये बात थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी आपको। कैसे पार कर सकते हैं? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा कैसे कर सकते हैं? ओह, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कोई अच्छा हो या बुरा हो, कोई ना कर्म का कोई ना कोई रिजल्ट होगा ही, कैसे ऐसा है? ये अहंकार है ने, वहां तक आप एंडोर्समेंट करेंगे, और अहंकार नहीं है तो कहीं आपका एंडोर्समेंट ही नहीं होगा। एंडोर्समेंट नहीं है तो फिर नया कर्म बनेगा ही नहीं, पाप भी नहीं बनेगा, पुण्य भी नहीं बनेगा। आप ये अहंकार क्या है वो समझना पड़ेगा। क्या आपका शुभ नाम? कमल। कमल, तो कमल आपका नाम है, बराबर है, आपको नाम दिया गया, जन्म हुआ तो नाम दिया गया कमल, कमल। तो आपने खुद ने भी मान लिया कि मैं कमल हूं, मैं कमल हूं। कमल की जब विमल नाम देते तो विमल मान लेते थे, मिलन नाम देते तो मिलन मान लेते थे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि बचपन में जब नाम दिया गया, सब पुकारते कमल कमल कमल, तो आपके भीतर एक बिलीफ खड़ी होगी कि मैं कमल हूं, मैं कमल हूं, मैं कमल हूं। तो सही में आप कमल है ही नहीं, मगर इसे बिलीफ खड़ी हो गई तो उनको क्या बोलते हैं, सही में है ही नहीं मगर आपने मान लिया, तो इट्स अ बिलीफ, बट इन सिंपल लैंग्वेज इट्स अ रॉन्ग बिलीफ, अज्ञान मान्यता। तो मैं कमल हूं वो रॉन्ग बिलीफ हुई, अज्ञान मान्यता हुई। तो भगवान ने क्या बताया कि जो रॉन्ग बिलीफ है उसका मतलब क्या हुआ कि आप सही में जो है वो जानते नहीं, और आप जो नहीं है वो आपने मान लिया। मीन्स आप अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे, किसी और की कुर्सी पे बैठे। मीन्स आप खुद जो है वो नहीं जानते, मीन्स यू आर इग्नोरेंट। वो इग्नोरेंस कौन सी है? सेल्फ इग्नोरेंस। तो सेल्फ इग्नोरेंस इज इगोइज्म। तो जब मैं खुद कौन हूं उनकी पहचान होती है, उनका रियलाइजेशन होता है, बाद में अहंकार चला जाता है, और अहंकार चला गया बाद में कोई नए कर्म बनते नहीं। आई बात समझ? तो इसके लिए ये मैं कमल हूं ये रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर होनी चाहिए, और आप सही में जो है वो सेट होना चाहिए। इतना सिंपल बात है, क्योंकि मोक्ष मुक्ति डिफिकल्ट नहीं है, संसार इज डिफिकल्ट। निष्काम कर्म मतलब कर्म की भावना होती है, कोई भी कार्य करो आप निष्काम मन से, क्या? हाँ मैम, बात बात करने में तो अच्छा लगता है कि निष्काम करो, निष्काम कर्म करो, हाँ। मगर आप जॉब करते हैं, मैं बोलूँ कि आप निष्काम कर्म करो,
तो फिर आपको सैलरी दे कि नहीं दे, आप काम करते रहेंगे? कोई भी कार्य फल की अपेक्षा के बिना हो पाएगा? एनीथिंग। तो निष्काम कर्म जो कृष्णवान कहना चाहते थे ना, वो तो लोग समझे ही नहीं। चलेगा थोड़ा, तो 5-10 मिनट ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो ये जो हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है, अरे कर्म की बात पूरी कर ले। मैं क्यों बोल रहा था, हाँ। कि आपने जो नाम का बोला ना, वो शास्त्रों में हमारी जो कुंडलियां निकलती है उसमें जो नाम का दिया जाता है, अक्षर की अक्षर से इसका नाम बनाना है, तो वो क्यों होता है फिर? वो तो एक एक शास्त्र, क्या है, एक एक ज्योतिष शास्त्र है, उसके हिसाब से नाम देते हैं। मगर नाम देते तो फिर वो तो कमल नाम दिया, किशोर भी नाम दे सकते थे, कन्हैया भी नाम, राशि पे ऊपर ही वही वही बता रहा हूँ। वही वही बता रहा हूँ कि वो तो एक व्यवहार चलाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम तो देना ही पड़ेगा ना। तो व्यवहार चलाने के लिए सिर्फ नाम दिया है, पर आप तो मान लेते कि मैं खुद कमल हूँ, तो आप कमल है ही नहीं सही में। मगर कमल होके सारा जीवन जी रहे, गलती सबसे बड़ी गलती वहां है, मगर वो ख्याल में नहीं आता है। आपका सारा जीवन, आज तक का जीवन आपका 50-55 जो भी हुआ, तो 50-55 साल का जीवन किसके लिए आपने जिया? कमल के लिए। और सही में आप कमल तो है ही नहीं, आप कमल से अलग है, तो बहुत बड़ी मिस्टेक ना होगी? ये ब्लंडर को तोड़ने का है, ये ब्लंडर टूट गई तो फिर नए कर्म नहीं बनते। बट एज फार एज दिस ब्लंडर इज देयर, यू आर एडिंग न्यू कर्म इन योर कर्मिक अकाउंट एट ईच एंड एवरी मोमेंट। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता? क्या, जैसे आपने बोला कि वो तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रॉन्ग बिलीफ है वो रॉन्ग बिलीफ नहीं रहे, मगर आप सही में जो है उनकी आपको पहचान हो जाती है। मैं अकेला इतना बोलूंगा, आप सुंदर नहीं है तो नहीं चलेगा, तो सुंदर नहीं तो आप कौन है वो भी जानना पड़ेगा ना। तो आप भले मैं सुंदर हूं, आप गलत जगह पे बैठे, मगर आपकी कुर्सी क्या है वो भी समझना तो पड़ेगा। वो पहचान कैसे होगी, खुद क्या है, अपने खुद की एंटिटी क्या है, वो कैसे? वो तो आ जाना, संडे को आ जाना, हो जाएगा। क्या करोगे उस दिन, 3 घंटा निकाल देना, हो जाएगा। मगर जब खुद की पहचान होती है तो एक प्रॉब्लम रहता है, तो आने से पहले सुंदर जी आप सोच लेना। हाँ, आपने डिसाइड कर लिया है, फिर भी मैं आपको ऑपरेशन के पहले नहीं डॉक्टर बता दे ऐसा ऐसा हो सकता है, मुझे आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जब खुद की पहचान होती है ना, खुद की पहचान होने के बाद मैं खुद कौन हूं, रियली स्पीकिंग हु एम आई, वो जानने के बाद वो टेंशन वरीज चला जाता है, वो चलेगा विदाउट वरीज, वो सोच लो, क्योंकि आपने एक दिन भी वरीज के बिना देखा नहीं है, फिर आपको एकदम वो लगेगा कि क्या हो गया। हाँ, बेटर लगे, अच्छा, हाँ, तो मुझे तो, मैं तो बता रहा था, ये क्या है कि इगोइज्म मीन्स अज्ञानता, सेल्फ इग्नोरेंस, इगोइज्म मीन्स अंधकार, अमावस्या, नो मून, तो उससे लाइट नहीं होती,
और वो ईगो जब निकल गया तो शुरू में थोड़ा सा लाइट दिखाई देता है, पैसे करते करते फुल मून गुरु पूर्णिमा तक जाने का ऐसा उनका प्रोसेस है। मगर एक बार रियलाइज हो जाता है कि नहीं मैं कौन हूं। अभी दूसरी बात क्या है कि शास्त्र पढ़ के हम बोलेंगे शब्दों से कि मैं आत्मा हूं, मगर मैं आत्मा हूं बोलने से काम लगेगा? कोई बोलेगा अरे सुंदर भाई उनकी बात ही जाने दो, वो दिखाई देता है बहुत सुंदर मगर दिल का बहुत काला है, तो क्या होगा? आपने उनको बहुत हेल्प की है तो क्या बोलेगा, आपको क्या होगा? अरे मेरे लिए ऐसी बात करता है। तो भले आप बोलते हैं मैं आत्मा हूं मगर आपकी बिलीफ में क्या है? क्या मैं तो पूरी रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर होनी चाहिए और राइट जो है वो सेट होना चाहिए, तभी काम हुआ ऐसा मानते। और ये सेट हुआ कब बोल सकते हैं कि जैसे एट प्रेजेंट आपको क्या आपका सुनना दिनेश, तो मैं दिनेश हूं इसके ऊपर आपको कोई डाउट है, कोई शंका है कि मैं दिनेश हूं इसके ऊपर? कोई शंका नहीं है। वो आधी रात में एक दो घंटा सो गए कच्ची नींद में से उठाएंगे ना तो आप शायद भूल जाएंगे मैं कौन सी जगह हूं, कहां हूं, कौन सी जगह पर सो गए गया हूं, मगर मैं दिनेश हूं वो कभी भूलेंगे नहीं। वो अहंकार है क्या? नहीं, वो अहंकार ही है। तो सेम वे आपको मैं आत्मा हूं इसके ऊपर कभी शंका न हो। अभी मैं दिनेश हूं उसके ऊपर शंका नहीं है, डाउट नहीं है, कोई भी संजोग में डाउट नहीं है, कोई भी सिचुएशन में, कोई भी प्लेस में। वैसे ही मैं आत्मा हूं इसके लिए निशंकता खड़ी हो गई तो समझना कि मुझे मैं खुद कौन हूं उनका भान हुआ है। बहुत लंबी प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। हेलो तभी आप अपने वो मन से बात कर सकोगे, यू सी द सेपरेशन बिटवीन यू एंड योर डेडिकेशन, यू नो इफ नॉट दैट, वो बोल रहे थे ना मन से बात करो, मन को एंडोर्स करो ना करो, दैट सेपरेशन, या देन ओनली यू कैन स्टे असाइड एंड सी योर माइंड। दिनेश जी तो आप बोल रहे एक लंबी प्रोसेस है, आपको पता है प्रोसेस क्या है? जस्ट यू एज्यूम, प्रोसेस तो नहीं पता बट जो स्थिति में पहुंचना है। हाँ ना भाई, यू एज्यूम कर, आपने एज्यूम कर लिया भाई ऐसा जाना है तो बहुत लंबी प्रोसेस होगी। सालों को तो दिनेश ही है। हाँ क्या बोला? सालों से तो दिनेश ही है। हाँ सालों से दिनेश है, बराबर। आपकी बात 100% करेक्ट है कि कितने कितने सालों से कितने जन्मों से ऐसे बिलीफ खड़ी हुई है, वो घुटते आए हैं, वो एकदम कैसा निकल जाएगी, उनको ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन होगा। आपको मैं सिंपल बताता हूँ कि मानो ये अपना हॉल है, बराबर, ये सब विंडो है, उसके वो ब्लैक पेपर लगा दिया है, वो हॉल में कितने वर्षों से कोई लाइट ही नहीं है, अंधेरा अंधेरा है। अभी वो अंधेरा है उसमें मुझे वो अंधेरे को निकालना है, तो जितने वर्षों से बंद है इतना वर्ष लगेगा ना, आप तो ऐसा सोचेंगे। मगर मैं अंदर आके स्विच ऑन करूँ ये लाइट हुई तो अंधेरा चला जाएगा, कितना टाइम लगेगा? वहाँ टाइम ही नहीं लगेगा। सेम वे यहाँ है, इसने बताया कि संडे को आ जाए 3 घंटा लगेगा। वो भी तो अगले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लाइट को कितना जल्दी एक्सेप्ट कर सके। लाइट को एक्सेप्ट करे कि नहीं कि लाइट हो जाए, ये आप एक्सेप्ट करोगे नहीं होगा। इंजीनियर बनने का प्रोसेस जो आप वो टाइम हो रहा है इसने भेज आपने क्या स्टडी क्या किया? बीकॉम है तो आपका जन्म हुआ तो आप बीकॉम थे, तो आप जो नहीं थे वो होने के लिए आपको 20 साल तक मेहनत करनी पड़ी, समझा? आप जो नहीं थे वो होने के लिए 20 साल तक मेहनत करनी पड़ी, मगर आप जो है वो होने में मेहनत होगी,
तो ये तो आप आत्मा है। तो फिर इतना टाइम क्यों लग गया? अज्ञानता के कारण। राइट, तो वो जो अज्ञानता है तो लगभग सभी में है, बहुत हार्डली कोई लोग वो लेवल तक पहुंच सकते हैं। पर मेरा कहना सिंपल है कि आपको आपकी अज्ञानता निकालनी है तो संडे को आ जाना, 3 घंटा लगेगा, 3 घंटे में चली जाएगी, सिंपल बात है। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है लंबी बातें करें, पर सिंपल है, ये सुंदर आने वाले हैं, उसने डिसाइड कर लिया। ये भाविक भी आने वाला है, भाविक को जानते हैं? कमल आपको समझ आएगा, ढीला होगा तो वो नहीं कर पाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कितना भी वीक है ने, ये कलयुग में पहले सतयुग में द्वापर में त्रेता में शिष्य की पात्रता देखते थे, गुरु के पास जाते थे ने, तो शिष्य में पात्रता है, एलिजिबिलिटी है कि नहीं वो देखते थे। मगर ये कलयुग में शिष्य की पात्रता देखने की नहीं होती है, वो देखने के लिए जाएंगे तो कोई शिष्य नहीं मिलेगा। ये मोक्ष के मुक्ति पाने के लिए या खुद की पहचान के लिए करनी है तो शिष्य की पात्रता क्या होनी चाहिए? उनको साल में एक दो बार क्लेश होता है, टकराव होता है तो पात्र बोलते हैं। अभी तो दिन में 10 बार हो जाता है तो पात्रता लाएंगे कहां से? क्या ना? तो ये सब तो बराबर है, शॉर्ट में बोल दिया कि ऐसा है तो संडे को आ जाए, कोई ऐसा वो नहीं है, आग्रह नहीं है, तो पता है प्रोसेस लंबा नहीं है। हाँ, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल है बट यू कैन एक्सपीरियंस इट, है सिंपल, कोई ऑर्नामेंटल नहीं है, सिंपल है। तो भाई आज का सत्संग का टू बी कंटिन्यूड ऑन संडे रिमेनिंग। आज बहुत सारे लोगों के मन में नए नए बहुत है तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे तो संडे क्लियर हो जाएंगे। गगन जी को लेके आएंगे संजोग होगा, आज नहीं मैं क्या बोलूं। हाँ हाँ, दूसरा कर दिया आपने सबके लिए बोला, इसलिए मैंने बोला गगन जी को लेके आएंगे। मैं देखो जो फाइनल एंडर्समेंट गगन जी देखना, संडे को फ्री हो सकते हैं शाम को 5:30 के बाद? नहीं अभी अभी है कोई प्रोग्राम है मालूम नहीं, देख लेना, फ्री है तो ये प्रयोग करने जैसा है, इट्स वर्थ एक्सपीरियंस, इट्स अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, उसमें आपको कुछ करने का नहीं बट इट्स यूनिक अनुभव हो जाएगा। एक को करना चाहिए ना, फैमिली में एक ही करे तो अच्छा है, क्योंकि दूसरा बोल जाए तो लगड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एक करे तो अच्छा, एक ही करेगा, एक बराबर दूसरा याद चलो एक एक प्रार्थना बुला के पूरा कर ले, कीर्तन करने का नहीं, 9 बज गया चलेगा। एक सिंपल बता रहा हूं कि आप में से जो भी आ सकते हैं संडे को यू आर मोस्ट वेलकम, बट यू हैव टू रीच देयर 5:45, 5:30 to 5:45 में आ जाने का। और आज सत्संग में बाद में आए ना, उसमें ऐसा वो प्रयोग में बाद में आते हैं तो एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि आपका काम नहीं होता है फिर, जैसे स्कूल में पीरियड चालू हो जाए जाना पड़ता है ऐसा है। मगर मुझे पता नहीं कि आप सब आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, जो भी आ पाया उनका लक है, पर नहीं आ पाए उनके लिए भी किसी का संजोग नहीं है तो उनके लिए मैं एक सिंपल, आप नाइजीरिया सुखी होने के लिए आए हैं, हाँ या ना तो बोलो। हाँ।
नाइजर सुखी होने के लिए, सुखी होना है ना, तो सुखी होने के लिए एक सिंपल मास्टर की आपको दे देता हूं जो दादा भगवान ने बताई थी। तो क्या करने का, सुबह में जब आप उठते हैं, जो भी टाइम पे उठते हैं, 5 बार मैं बुलाता हूं इतनी शक्ति मांग लेना, प्राप्त मन वचन काया से, इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। सिंपल है, आप जो भी भगवान को मानते हैं कि आपके भीतर जो भगवान, उनके पास 5 बार ये शक्ति मांग के निश्चय करना, तय करना कि ड्यूरिंग द होल डे आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनी लिविंग बींग। सिंपल, बराबर, इतना कर सकते हैं। फिर रात को सोने से पहले दूसरी प्रार्थना बताता हूँ वो कर, रिकॉर्डिंग कर दिया, प्राप्त मन वचन काया से, इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। बराबर। फिर रात को सोने से पहले जरा देख लेना कि आपने शक्ति मांगी, निश्चय किया, तय किया, फिर भी जाने अनजाने में 2, 4, 5 को दुख हो गया, तो उनके भीतर भी भगवान तो है ना, सब जीव माता के भीतर भगवान है, तो उनके भीतर जो शुद्धात्मा भगवान है उनके दिल से माफी मांग लेना है। कैसे मांगना वो भी बताता हूँ, वो भी रिकॉर्ड कर लेना। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है, वैसे ही मुझमें भी विराजमान है, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, अज्ञानता की वजह से, मैंने जो जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, इनके लिए हृदय से पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और फिर से ऐसे दोष कभी भी न करूं, ऐसे आप मुझे शक्ति दे, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें, जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए, हम आपके साथ अभेद रूप से तन्मयाकार रहे, जय सच्चिदानंद। तो इनमें जो बताया ना, अज्ञानता की वजह से मैंने जो जो दोष किए हैं, तो दिन में 4-5 लोगों को दुख हो गया है, उनको उनको याद करके उनके भीतर भगवान है, उनकी माफी मांग लेना। तो क्या होगा, ये है सिंपल वो चीज, बट इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड इन ऑपोजिट डिरेक्शन, सेम वे यहाँ भी आपका सारे दिन का एक्शन क्या है कि मेरे मन वचन का से किसी को दुख न हो। एज ए रिएक्शन क्या आएगा
कि कोई आपको दुख नहीं देगा, कोई आपको दुख नहीं देगा तो आपके पास क्या बचेगा, सुख बचेगा। तो आपको खुद को मेहनत करके करना है तो इतना करना, और मेहनत नहीं करना है तो संडे को आ जाना दिन करने। चलो जय सच्चिदानंद। और ये प्रातः मैं विशाल को भेज दूंगा, विशाल साली उनको आप सबको भेज देंगे। जय सच्चिदानंद। Tomorrow Saturday evening from 7 to 9 p.m. Satsang is in Ilupeju.